तो इस सेशन में हम थोड़ा सा और क्लोज्ड लूप कंट्रोल के बारे में पहले बात करते हैं। नोट्स मैं इसके प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो क्लोज्ड लूप कंट्रोल, यहाँ पे ये स्कीमेटिक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम को इनपुट यू मिल रही है, कंट्रोलर से मिल रही है वो इनपुट, और उसकी आउटपुट वाई है। अब आउटपुट को हमने फिर से उसका फीडबैक किया है यहाँ पे, और आर हमारी रेफरेंस इनपुट थी, और यहाँ पे उन दोनों के बीच का जो एरर होगा ई, हमारा एरर है। तो यहाँ पे इसके लिए प्लस साइन लगाया हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन लगाया हुआ है। तो एरर ई है और कंट्रोलर में ये एरर जाएगा। अब उस एरर को प्रोसेस करके कंट्रोलर एक इनपुट देगा, और उस इनपुट का पर्पस होगा इस एरर को कम करना, ठीक है? तो वो इनपुट यूटी होगी हमारी। तो ये जो सिस्टम यहाँ पे देख रहे हो, इसको बोलेंगे हम क्लोज्ड लूप या फीडबैक वाला है ये, विथ नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे ये जो फीडबैक हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। अगर इसको हम यहाँ पे प्लस साइन कर दें तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है? तो ये क्लोज लूप विथ नेगेटिव फीडबैक, और ये हमारा टाइम डोमेन में था। इसी को हम अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखाना चाहें तो हमारा पूरा का पूरा वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके वो इस तरह का हो जाएगा ई। अब ये कैपिटल ई हम सिंबल यूज कर रहे हैं, ये हमारा एरर है। कंट्रोलर में जाएगा, पूरे के पूरे कंट्रोलर को, कंट्रोलर का कुछ डायनामिक्स होगा, कुछ इक्वेशंस हैं जो उसको, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो उसको गवर्न करती है, तो उसके कोरस्पोंडिंग उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है, कंट्रोलर का भी अब ट्रांसफर फंक्शन है, उसको हमने लिख दिया सी। ये कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है? और कंट्रोलर से हमें आउटपुट यू मिल रही है, तो ये यू हो गया उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब यू हमारी सिस्टम में गई, सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको हमने पी लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम को प्लांट भी बोलते हैं। प्लांट टर्मिनोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होती है, सिस्टम की जगह वो लोग प्लांट बोलते हैं। तो ये पी हमारे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, इससे आउटपुट हमारी वाई आई। और ये जो फीडबैक है, अब जो फीडबैक के लिए हमारा जो भी सेंसर होगा, जो भी सिस्टम है, उसका भी अपना डायनामिक्स होगा, उसकी भी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन हम कुछ लिख सकते हैं, और उसका भी एक ट्रांसफर फंक्शन हम यहाँ पे इन जनरल लिख सकते हैं, वो हो गया ये एच, ठीक है? तो ये जो फीडबैक वाला पाथ है उसमें ये एक ट्रांसफर फंक्शन और हो गया एच, और अब ये इसमें जा रहा है। तो ये एस डोमेन में हम पूरी की पूरी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम डोमेन की जगह फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाने से, जो कि हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके जाते हैं, उससे ये एडवांटेज हो जाती है। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को भूल जाएं, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये जो आउटपुट हमारी वाई है उसको हम लिख सकते हैं पी यू। ये हमने पहले डिस्कस किया है, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद जीरो इनिशियल कंडीशन, ठीक है? तो हम आउटपुट को हम पी यू ऐसे लिख सकते हैं, तो वाई इक्वल्स पी यू, ठीक है? अब यू को हम लिख सकते हैं ई सी, क्योंकि वो कंट्रोलर से आ रहा है, तो ई सी वो हो गया यू, तो ये हो गया पी, यू की जगह लिख दिया हमने सी ई, तो वाई इक्वल्स पी सी ई हो गया। अब पी सी ई को हम लिख सकते हैं आर माइनस, ये इधर वाई था हमारा, वाई पे ये एच लगा, तो यहाँ पे वाई एच हो जाएगा, तो ई हमारा हो गया आर माइनस एच वाई, ठीक है? जैसे यहाँ पे था ये एरर ई, एरर ई क्या था, ये जो भी था आर माइनस में ये वाई यहाँ से आ रहा था, और इसकी जो आउटपुट आ रही थी उसके हिसाब से, तो उसका एक उस इक्वेशन का आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म लो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं ई की जगह लिख दिया आर माइनस एच वाई। अब पी सी, पी सी को हम लिख देते हैं जी, ठीक है? पी सी क्या है,
ये तो हमारा फॉरवर्ड पाथ है, यहां से लेके यहां तक ये फॉरवर्ड पाथ है, और ये हमारा यहाँ ये वाला हमारा फीडबैक वाला पाथ है। तो जो फॉरवर्ड पाथ का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको हम जी लिख देते हैं। फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन पीसी है, यहाँ पे जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ में ई जा रहा है और वहां से वाई निकल रहा है। तो पी सी जिसको हमने लिख दिया जी, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। तो पी सी की जगह जी लिख दिया, जी आर माइनस जी एच वाई, और इसको अब वाई ओवर आर के लिए सॉल्व कर लो, वाई ओवर आर आ जाएगा जी ओवर वन प्लस जी एच। ठीक है, अब वाई ओवर आर क्या है, देखो ये पूरी की पूरी चीज को अगर हम एक बॉक्स में डाल दें, ये पूरा का पूरा जो भी फॉरवर्ड और फीडबैक वाला पूरा पाथ था एक बॉक्स में डाल दें, तो उस बॉक्स में अब आर इनपुट जा रही है और उससे आउटपुट वाई निकल रही है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे बॉक्स को हमने डाल दिया और उस बॉक्स का ट्रांसफर फंक्शन होगा वाई ओवर आर इस बॉक्स का। ठीक है, वो y ओवर r वो हमें यहाँ पे मिल गया है g ओवर 1 प्लस जी एच, और इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया हमारा। और तो अब जो चीज इंपॉर्टेंट है, देखो इस सिस्टम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शंस डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, कि कंट्रोलर का क्या ट्रांसफर फंक्शन है, हमारे सिस्टम का क्या ट्रांसफर फंक्शन है, या फीडबैक पाथ में है वो क्या ट्रांसफर फंक्शन है। वो इंडिविजुअली इम्पोर्टेंट है लेकिन अपने आप में डायरेक्टली उस सेंस में इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरे सिस्टम को जो गवर्न करता है वो है वाई ओवर आर, तो जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, जी ओवर वन प्लस जी एच। ठीक है, और इसमें हम जो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है वन प्लस जी एच, इसको बोल देते हैं क्लोज लूप करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और जो पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होंगे, ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसके पोल्स अब इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स सिस्टम की स्टेबिलिटी को गवर्न करते हैं। तो इसके जो पोल्स होंगे उसको हम बोल देंगे क्लोज लूप पोल्स। ठीक है, क्लोज लूप पोल्स। जी एच है हमारा, जी एच को हम बोलेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप वो इस तरह से है, ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन तो जी है हमारा सी पी, और यहां पे अगर ओपन कर दिया तो ये जी एच ये ओपन करने पे इस पाथ का ये ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। तो जी एच को हम बोल देते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और इसके जो पोल्स होंगे उसको बोल देते हैं ओपन लूप पोल्स। तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है के जैसे हम बोल रहे थे प्लांट ट्रांसफर फंक्शन, कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन, अब हमारे पास और भी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जो सीपी होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वो ये जी एच। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी और इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास है, हम चाहते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, फीडबैक अब हमारा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो सिर्फ जो अब डिफरेंस होगा वो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस साइन हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट ये आएगा, पहले रिजल्ट आया था जी ओवर वन प्लस जी एच क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, अभी आ जाएगा जी ओवर वन माइनस जी एच, बस ये डिफरेंस होगा। ठीक है, और हम बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं यूनिटी फीडबैक, अगर हमारा एच वन हो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एच को वन कर दें तो ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड लूप यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, यूनिटी क्योंकि ये हमारा वन हो गया है और नेगेटिव है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। और यहां पे अगर हम प्लस लगा दें और ये वन हो तो वो हो जाएगा यूनिटी पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी बात की कि जो हमारा कंट्रोलर फीडबैक वगैरह सारा कुछ हमने लगा दिया है तो उसके बाद ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम थोड़ी सी अब कंट्रोलर्स की बात करते हैं।